अल्लाह पाक ने जब इंसान को तख्लीक किया तो नस्ल इंसानी की बका के लिए मियाँ बीवी जैसा खूबसूरत और पाकिजा रिश्ता बनाया मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास कहलाए ताकि वो अपने घर के मामला को घर में रखे और एक दूसरे के राजों की पर्दादारी करें फैमिली ही वो वाद इंस्टीट्यूशन है जो पूरे माशरे की तख्लीक में बुनियादी किरदार अदा करता है और अगर फैमिली का माहौल अच्छा हो तो एक सेहतमंद माशरा तश्कल पाता है मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा भी होता है और वो एक साथ नहीं रहना चाहते तो शौहर के पास अगर तलाक का हक है तो औरत के पास खुला का लेकिन ये या तो हमारी जज्बातीयत है या फिर हमारे माशरती रवैये इस कदर इंतहा पसंदाना हो चुके हैं कि हम शरीय या कानूनी रास्ता अख्तियार करने की बजाय मामला को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने की कोशिश करते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं फैसलाबाद की खातून ने महज दूसरी शादी के लिए तलाक न देने पर मुबैना तौर पर अपने शोहर को कत्ल करके घर के सहन में ही दफना दिया हमारे रवैये इस कतर इंतहा पसंद क्यों हो चुके हैं कि हम मामला को जायज़ और कानूनी तरीके से हल करने की बजाय कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने से भी नहीं घबराते इस खातून ने अगर दूसरी शादी करना ही थी तो इसने कानूनी रास्ता क्यों अख्तियार न किया ये वो सवाल है जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बिस्मिल्ला वरक मोहम्मद आप देख रहे हैं बिल कु नाजुक जो है इसको आबगीने कहा गया इसको कहा गया कि ये वो खमदार पसली है मैं इसको टेढ़ी नहीं कह रहा खमदार जो हुन है इससे ख़ुब नकाम मोहम्मद ने कहा सल्ला वसलम ने कि इसका काम जो है वो दिल जीतना है ये सैदा फातमा को कहा कि दिल जीतना है नकाम ये सारी तरबियत हो और फिर इस तरबियत के अजाले में हिंदा जैसी औरत जो है वो भी तारीख में नज़र आती है और उसने वैशी को उस हबशी को जिसका नाम वैशी था और वहाँ से लफ्ज़ वैशी पड़ गया उसको हायर किया हज़रत हमसा रजील च रसूल सल्ला जब उनको शहीद कर दिया फिर उनका सीना चाक करे फिर अजा निकाले और कलेजिया नकाल के चबाने की उसने मन्नत मानी थी अहद किया था कि यह करूँगी खतिन ये रवैये यकीन कीजिए इस इन आबगिनों के मेरी समझ में यकीन नहीं आते ये जो मामला है इसको पता नहीं किस रुख से देखना चाहिए माशरती रुख से माशी रुख से इस्लामी या किस तरह से लेकिन इसमें कोई ऐसा मामला ज़रूर है जिसमें हम तमाम लोग क्राम नफ्सियात दान तमाम लोग जो हैं माशरे के इसको समझने से मुझे लगता है कि कासिर हैं हमारे पास शायद अभी वो इल्म नहीं है कि हम ये तरबियत देख सकते कि ये लोग इस तरह के अमल क्यों करते हैं आज मेरे साथ बहुत ही बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मेहमान हमेशा की तरह मौजूद हैं बहुत इंतहाई ममनून फ़रहादाह साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाते हैं आप इंतहाई कीमती वक्त में से और इंतहाई ममनून हूँ खाना मोहम्मद तकरी आपका आप, आप तशरीफ़ लाती हैं और साइबा हैं हमारे पास जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं साहिबा आपका बहुत शुक्रिया और फैसलाबाद से हमारे साथ मुदसर नज़ीर हैं और जो मकतूल हैं मोहम्मद अमीन उनके भाई सलीम और उनकी बहन कलसूम जो है वो भी हमारे साथ होंगी सबसे पहले आप लोग इजाज़त दे तो मैं इनसे नज़ीर मुदसर नज़ीर आपसे बात कर लूँ आपने जब ये रिपोर्ट किया और आपने देखा तो आपकी रिपोर्टिंग क्या है इस पर इसके महरक क्या हैं क्यों ऐसा हुआ और क्या नज़र आया फिर उसके बाद क्या क्या नतीजा क्या निकला बिलाल भाई ये अफसोसनाक वाक़ा खोड़े वाला की हदूद में सो रुड़का है सोचक रुड़का है जहाँ पेश आया जहाँ मोहम्मद अमीन नामी शख्स जो एक मिल में मजदूर था वो तेईस तारीख को ग़ायब हो गया अचानक और अच्छा। जब उसके भाई सलीम ने थाना में रपट दर्ज की तो पुलिस ने इंटेरोगेसन की सबसे पहले उसकी बेबी फौजिया से सवाल जवाब का अमल शुरू हुआ तो फौजिया ही मशकूक हो गई और पुलिस ने घर की तलाशी भी शुरू की और किचन में से जो है आ, अमीन की जो है वो डेड बॉडी वो भी बरामद कर ली गई बरामद की ये बॉडी किस तरह किचन में से किचन घर का किचन अच्छा। जहां खाना पकता है वहां पर आ, वहीं वही पे जो दबाया गया था और फौजिया ने जो है तमाम वाक्य को एडमिट भी किया उसने तस्लीम किया कि उसने अपने खावन को जो है जहर देकर जो है कत्ल किया और उसके बाद उसने खुद वहाँ पर उसे दे दे। अच्छा मुदसर जरा ये जो बहन है यहाँ पे कलसूम इनसे इनसे जरा अगर आप बात करवाते इनसे पूछिए कि इनको अपनी भाभी के बारे में कैसा लगता था वो कभी ऐसा लग सकता था कि फौजिया जो है वो शौहर को कत्ल कर सकती है और मार के कबर खोद के दफन कर सकती है सिर्फ इस वास्ते वो कहीं और अपने तालुकात करना चाहती है दो साल तो सब महल खुद भी कहते दे रहे मेरे भाई भी रोकते रहे हैं। वो नहीं रुकी नहीं रुकी तो फिर उन्होंने ला मेरे भाई उन्हें कतल किया कल नहीं खुद वना क्या वजह की थी आश की मशूकी वो भी इसी गांव का रिहायशी हाँ जी ऐसे गांव पूछे तो का पूछेगा तो 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 की तो तो बच्चों का बंटवारा पहले कर ले और सिलसिले को अच्छी तरीके ऐसी खत्म कर ये बता दे ये आप बता रही है आप ये बता रही है की उनका ये काफी देर ऐसी किसी से इष्ट चल रहा था क्या उन्होंने कभी तलाक का मुतालबा किया था नहीं ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨ ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੀਨ ਮੀਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਡੰਟ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੋ

मुदसर मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि ये जब उसने कत्ल कर दिया तो कत्ल करने का तरीका क्या था क्या किस तरह किया और फिर कबर कैसे खोदी और उसने दफन करने के लिए इतनी भारी लाश को उतारना और ये सब करना यह कैसे किया उसने किसी के साथ मिल के किया या अकेले किया सर शाम को दस बजे खाने में जहर दिया जब बारह बजे फौत हो गया उसने वहीद को फरहान को फ़ोन किया कि मैंने इसका काम कर दिया है मेरे साथ आकर दफ़न करिए फरहान आया और दोनों ने मिलकर दफन किया किचन में उससे पहले वहीर से रता होता था दुबई में उसने कहा इसको मार डालो मैं आपसे तीन माह बाद शादी कर लूँगा अच्छा फरहान ने सिर्फ पैसों के लालच में ये मिल किया जी नहीं फरहान ने फरहान उसका भाई था पहले वो हमीद से बातचीत उसकी होती रहती थी वो दुबई चला गया फिर उसका रबता फरहान से हो गया फरहान दो साल से इसके घर आता जाता था फिर हमारे भाई से भी एक दो बह इस दफ़ा से लड़ाई हुई झगड़ा हुआ जब उसने तेईस तरीक को क़त्ल किया उससे दो दिन पहले फ़रहान उनके घर गया था उसने इस वजह से मारा कि हमें पता चल गया है ये बात और फैल जाएगी तो इसलिए उसने मिलकर फरहान से कत्ल किया क्या आला, आला कतल किया था किस तरह कतल किया उन्होंने ठीक है मुतासर आप मेरे साथ रहिएगा मैं आपके पास दोबारा आता हूँ आप, आप मेरे साथ रहिएगा हम ये बात आपने सारी सुनी खातून ने और उसके भाई ने मिल के अपने एक ऐसे आ, मैं क्या कहूँ आशना के साथ जो कि पैस अमीर था और दुबई चला गया इससे तल्लुक रखते हुए भाई ने साथ शमूलियत की अपने शोहर को जहर दिया कबर खोदी उसमें दफन किया और छुपाया अब मैं मैं आपसे बड़े अदब से बात जानना चाहता हूँ बिल्कुल ईमानदारी से क्योंकि मुझे लगता है कि इस माशरे में कोई भी ये किरदार जो है ना औरत का समझने से कासिर है एक तरफ जब चार शादियों की बात की जाए तो वहाँ सिक्सटी का वन का कानून सामने आ जाता है वहाँ पर भी एक जो क्या कहना चाहिए सिंफ नाजक जो है वो एक विक्टम नजर आने लग जाती है जब उसने खुद शादी करनी है तो वो खुला नहीं देरी वो कतल कर रही है जब उसको कहीं दुबई जाना है और उसको वीज़े पूरे नहीं मिल रहे तो वो बच्चों को कतल कर रही है जब उसकी शहर से तलाक हो रही है या वो शोहर के साथ नाखुश है तो वो बच्चों को मार रही है ये सारे किरदार आज इस माशरे में औरत के कैसे देखेंगे आप इसको हाय बिलाल भाई बहुत शुक्रिया पहले तो आपके बुलाने का लेकिन ये जो मौसु है माशरती तौर पे औरत को अगर देखा जाए तो जैसे अभी आपने कहा कि आप गिनों से तशबी दी गई है औरत का किरदार इस तरह मतलब अगर देखा जाए किसी नेगेटिविटी में तो इतना इस्ट्रांग बहुत कम नज़र आया है कभी भी अब इसमें अगर आप मौशरे के अंदर देखें तो बहुत से सरकम च्रांसिस हैं लेकिन जो ख़ातून जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं उसने तरीक़ाकार बहुत गलत किया मतलब एक खातून को जितनी आज़ादी इस्लाम ने दी है उतनी आज़ादी किसी मज़हब में ख़ातून को मिली नहीं है हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ये सारी बहस जो है ना ये कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद ये इस माशरे में जहाँ ये दीन जो है वो राइज है मस्जिदों से नमाज़ी भरे पड़े मिलते हैं आप रबी अलवल देखिए मुहर्रम देखिए कयामतें बरपा हुई हुई हैं इश्क रसूल के लोगों के साथ इसके बावजूद जब यह किरदार नज़र आता है कहीं कोई गलती हो रही है देखें भाई आप इश्क रसूल को जब हम बात करते हैं ना तो इश्क रसूल सिर्फ हमने नातों में सर धुनने के लिए और फ़ाइलों में और सीरत सुनाने के लिए रखी हुई है आप अगर एक आम बंदे से भी बात करें तो इश्क रसूल की अगर आप बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोजाज सुनना चाहता है वो सीरत रसूल नहीं सुनना चाहता लैक जहाँ पे आता है अगर आप दीन को यहाँ से कंसर्न करते हैं अखलाकियात और माशरियात में तो लैक वहाँ पे आता है कि हमने सीरत रसूल सिर्फ सुनाने के लिए रखी है अडॉप्ट करने के लिए नहीं रखी है सिर्फ लेकिन आपसे एक जुमला कहना चाहते हो इस पे आप पर आप अपनी राय दे दें आपको क्या लगता है कि हम किस उम्र तक यही प्रोग्राम करते रहेंगे कि ये औरत ने बच्चे मार दिए औरत ने शोहर मार दिया औरत को पैसों का प्रॉब्लम था औरत ने गुर्बत का सहारा लिया औरत ने इश्क का सहारा लिया अपने आशना के साथ मिलके ये माशरा कहाँ जा रहा है देखिए मैं तो इसको अफसोसनाक वाक्य लेकिन इस नज़र में देखूंगा कि हमारे मुल्क में जो डिसऑर्डर है मेंटल डिसऑर्डर उसको बीमारी नहीं समझा जाता और बेशुमार हमारे पास ऐसे केसेज आए हैं जिसमें एक औरत की

सामने मकतूल के वर्सा आ रहे हैं और वो बयान कर रहे हैं कि जी हो सकता है कि ये सारा का सारा का काम किया आशना न हो और क्योंकि औरत बनी थी इसकी मोटिव उसको भी उन्होंने इसके अंदर अलज कर रही इन्वेस्टिगेशन की बातें और ये सारी की सारी बातें ट्रायल की बातें मैं एक और बात आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं आप यह देखिए जो बहुत अहम बात है कि जो आप टर्कश माशरा इस मुल्क के ऊपर लागू कर रहे हैं जो ड्रामों में इस्लाम दिखाया जा रहा है वो भी हमारे माशरे को ख़राब कर रहा है और आए रोज ये जो नया एक शादी शुद और जिसके तीन बच्चे भी हैं और उसको अपना आशना फिर याद है और वो उससे रबते में भी है ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से वो लीगल वे अडोप्ट करने की बजाय क्राइम करने को अपनी इंपॉर्टेंस दे रही है और ये ये चीज़ें हमारे माशरे को ख़राब कर रहे हैं शायद आपकी बात पहुँची मैं वक्फ़े के बाद साहिबा आपके पास आऊँगा लेकिन मेरी इस बात से ना तसली नहीं हो रही अगर पाँच फीसद लोग ड्रामे देखते हैं टर्किश तो बाकी पचानवे फ़ीसद लोग नहीं भी देख रहे हैं अगर ये कहा जाए कि किसी एक वजह से ये बुराई आ रही है तो मैं अदब से वापस सवाल लाऊँगा जो कि आपसे बनता नहीं है लेकिन करूंगा मैं आपसे और सवाल ये होगा कि जब हिंदा ने ईमान कबूल कर लिया उसका किरदार उसके बाद बदला उससे पहले नहीं बदला पहले उसने वहशी को हायर किया एक कत्ल के लिए फिर सीना चाक किया फिर मोहम्मद ने कहा कि मेरे सामने नाओ मुझे चचा याद आते हैं जब ईमान होगा तो हिंदा जैसी बदबخت औरत भी फिर बैठ के बदर के सहाबा का जिक्र किया करती थी खातिन जरात मुझे लगता है कि इस माशरे में ईमान देने वाले और ईमान लेने वाले दोनों ईमान से कहीं ख़ाली तो नहीं हो गए वक्फा लीजिए वापस आते हैं असल वरहम् बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तारीख में बहुत सी ऐसी वाकयात निकले हैं इसमें साहिबा इस, इस पर भी नजर कीजिए कि जितने भी मर्डर करती हैं खातन ये मर्डर उस वक्त नहीं होते जब वो रेप हो रही है। वो अपने रेपिस्ट को मर्डर करते कि वाकयात कम है वो अपने आशना को मर्डर कर रही है वाकयात कम है वो मर्डर कर रही है अपने बच्चों को और अपने शोहर को यह एक खास तरतीब है ये मैं उन्नीस की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था उन्होंने कहा जनाब देखने में जो वाकत आ रहे हैं वो बच्चों और शौहर के आ रहे हैं ये हेटरेट से आ गया इतनी नफरत कहाँ से आ गई कि अगर मर्द से नफरत है तो उसके बच्चे भी मार दो एक्चुअली ये है कि जो उन्होंने एक टारगेट अचीव करना होता है उसके दरमियान में जो भी उनको हर्डल जो सबसे करीबी हर्डल है और जो सबसे बड़ी और मेजर हर्डल है वो उसको उस रस्ते से हटाने के लिए एक इम्पल्सिव एक्ट करते हैं और ताकि वो हट जाए ताकि मेरे लिए कोई रीजन ना रहे उस टारगेट टारे इस करना इस, इस बात को देखो कि बच्चे घर में सो रहे हैं और मैं उन बच्चों के बाप को मार रही हूं मेरा 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 क्या वक, मेरा क्या मेरा क्या उस वक्त जहन चल रहा होगा कि बच्चे सो रहे हैं भिल्कुल, और भिल्कुल, उसी भिल्कुल, घर में मैंने उसको जहर दे के मारा है उसी कमरे के अंदर मैंने कबर खो दिया और बिलाल साहब बात यह है कि वो ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है ये एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं और एक्ट्स हैं और बिहेवियर है और कॉग्निटिव सिस्टम है जो कि बहुत अच्छे से चेंज हो रहा था लेकिन उसको जो है वो नोट नहीं किया जा रहा था उसको काउंसिल नहीं किया जा रहा था उससे कोप नहीं मैं, किया मैं जा रहा था सारी साइंसी बात को अगर उर्दू में तर्जमा करूं तो आप मुझे सही कीजिएगा कि मैं गलत तो नहीं कह रहा अयाशी इतनी अहम हो गई है

अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है बहुत सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं और पीछे वाले लोगों को भूल जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनकी रिलेशनशिप इतना अच्छा बन जाता है अपने हस्बैंड के साथ कि उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उनको पीछे से कुछ याद ही नहीं रहता अब यहां जो इतने सिविल इंसिडेंट्स हैं उसमें ये होता है कि वो वहां पर उसकी फिक्सेशन हो जाती है कि वहां से उसको वो मूव नहीं कर पा रही है वो एक रिलेशनशिप पैदा बना ही नहीं पा रही है उस नए बंदे के साथ या तो उस बंदे का भी कोई बच्चा रोल पैदा और रिलेशनशिप नहीं बन रहा वो आ, तो कमाल नहीं, नहीं। बात हो गई ना बिलाल साहब देखिए रिलेशनशिप जो है ना मैं क्वालिटी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जिसमें किसी एक ऐसे बंदे को भुलाना है कि जिससे आपकी बहुत जज्बाती वस्तगी रही थी उसमें एक फिजिकल वाबस्तगी जो है वो जज्बाती वास्तगी को दोनों को मिला तो नहीं सकते आप रुकिएगा मैं सर आपकी तरफ आ रहा हूँ मुदसर मुझे बताइए कि मोहल्ले के जो लोग हैं वो फौजिया के बारे में क्या राय रखते हैं वो एजा नेबर, एजा औरत लेने जाती चाय की दुकान पे जाती होगी मोहल्ले में घूमती फिरती राय रखते हैं हर बंदा ही ओनू बुरी नजर ना ही वेखना चाहता बिल्कुल बिलकुल ओरदार नहीं चला हर बंद ना फ्री हर बंद ना तुरी फिर ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਡੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਖੋਰੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਲਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਫਲਕਲੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਆ जो एफ आई आर ये पता करके अगर मोहल्ले वालों का भी ये, ये, ये अंदाज है कि वो खातून जो है वो मुनासिब नहीं थी तो अमीन ने अपनी इस इतनी बदनाम बीवी को फिर छोड़ा क्यों नहीं तलाक क्यों नहीं दी सलीम ये बता दें एक खातून का इतने बंदों से रिलेशन है उन्होंने क्या अमीन ने क्यों नहीं छोड़ा उनको तलाक दे देते जान बच्चों की खाते छोड़ देते ऐसा क्यों नहीं अमल किया उसने सिर्फ बच्चों की खाते वो बच्चों मेरे छोटे छोटे बच्चे रोल जाने हैं बस हो जाए जैन मेरे छोटे छोटे बच्चे रोल जाने मैं नहीं छे सुन वो बच्चों का क्या इतना ख्याल रखती थी कि इसका ख्याल है कि बच्चे जाते वो शाम को खाने में तो फिर मतलब बच्चों का जब वो ख्याल ही नहीं रखती थी तो बच्चे कब थे अभी रुले हुए अच्छा ये है आप बता दे बच्चे तो अभी बेचारे रोल रहे हैं बच्चे तो अभी रोल रहे हैं अब अभी परेशानी तो तलाक दे के जान छुड़वा लेते हाँ जी तलाक ने मंगी नहीं सी

बिलाल भाई आ, सारी बातें इल्म में थीं अमीन सब जानता था और उसके भाई सलीम का भी यही कहना है कि सिर्फ बच्चों का ख्याल था एक जिसकी वजह से वो उसे आ, फौजिया को तलाक नहीं दे रहा था और इसी वजह से बच्चे जो हैं वो उनका कौन पालेगा उनकी परवरिश कौन करेगा और अहल मोहल्ला का ये भी कहना है कि बच्चों की जो है आ, फौजिया कोई ख्याल नहीं रखती थी अगर ख्याल था तो सिर्फ अमीन को था इस बात की गवाही जो है, मतलब है मेरे साथ रहिएगा मैं वालों से दोबारा बात करना चाहूंगा लेकिन मैं शाह आपकी पे राय लू ये एक तो ये मामला सारा हो गया ऊपर से एफ इस तरह की कटवाई गई कि अब इसके अंदर कोई सिलसिला आगे चलने जोगा ही नहीं है आज इस टाइम ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मियां बीवी बच्चों की खातर एक ना चलता घर भी चलाते हैं ये हमारा एक माशरे का सेटअप है लेकिन वो इतना संगीनी इख्तियार कर गया कि एक औरत ने अपने खावन को ना सिर्फ कत्ल किया फिर वहां पर उसने दफन किया मैं एक चीज में मैं मुझे क्योंकि मैं 302 के ट्रायल्स करता हूं मुझे ही ऐसे लगता है इस किस्म के हमारे पास केसेस आते हैं कि अगर एक औरत किसी जगह पे उसकी कोई कहानी थी कत्ल उसको शायद उसकी आशना ने किया और लेकिन इन्होंने उस, उस औरत को इन्वॉल्व कर दी और डायरेक्टली इन्वॉल्व करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी अब देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब तक आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन के सही लोग जो हैं उनको सजा नहीं हो सके। जी, नहीं जहर दिया ना मुझे ये बताइएगा कि जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक शुरू की इसमें क्या फौजिया ने अपने इस जुर्म को तस्नीम किया है या नहीं बिलाल भाई यही मैं बताना चाह रहा था तमाम केस ओबियस है इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है पुलिस को जब एप्लीकेशन दी उसके भाई सलीम ने पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और डेड बॉडी की जो है जगह भी जो है फौजिया ने खुद ही बताई कि मैंने किचन में इसे दफनाया है तमाम चीजें ऑबियस हैं उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा उसने एडमिट किया है उसने तस्लीम की है उसने के मैंने ही कत्ल किया है और बाकायदा चूहे मार गोलियां देके मैंने को अच्छा, मारा अच्छा, ब, जीजी। फौजिया फौजिया जीजी। के मुताबिक मारने की वजह क्या है फौजिया ने भी जो इन्वेस्टिगेशन में जो तमाम मामला हैं, में, में यही बताया है कि उसका किसी से ताल्लुक था और उसने तमाम मनवन चीजें जो है वो तस्लीम की हैं उस दिन फौजिया से भी बात करने की कोशिश की थी उसने कहा था मैंने पुलिस को तमाम रिकॉर्ड दे दिया है अपना तमाम चीजें बयान दे दी है मैंने मीडिया से कोई बात को खौफ नहीं है या फौजिया को लगता है कि उसके पीछे हाथ बहुत बड़ा है किसी का इस समझदेश को मैंने बचा लेगा वकील ने रिश्वत की तीन लाख रुपया मैं दवांगी

पुलिस के सामने बिलाल भाई आपका लॉ ये कहता है आपका कानून शहादत के पुलिस के सामने दिया हुआ कोई बयान वो एडमिजिबल नहीं है कोर्ट ऑफ एविडेंस में ये आपका लॉ कहता है देखें अब अगर उसने इतराफ जुर्म किया है तो फिर उसको ले जाते मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते सामनेजट के सामने वो जुर्म अपना करती ताकि कल को उसको सजा हो सकती उस एविडेंस पे मान ली बात ये है कानूनी पहलू जी। मैं इस शासर की बात को अगर मद्देनजर तो यकीन कीजिए पाकिस्तान में हर शख्स जो है ना वो तकरीबन अल्लाह का वली है और इतना शरीफ है कि कोई क्राइम सबूत हो ही नहीं सकता हर मुजरिम जो है ना पाकिस्तान में कहता है कि अच्छा अगर मेरे खिलाफ सबूत है तो जाओ अदालत में और उसके खिलाफ वो सबूत नहीं पेश हो सकते लेकिन ये किरदार है जिसमें मोहल्लेदार सामने हैं उसने अपना बयान दिया है उसका आशना जो है सामने है उसके भाई ने उसकी इसमें सपोर्ट की और मिल क्या रहा था सिर्फ माल अगर तो वो दुबई में ना होता तो मैं कहता हूँ शायद उसके जिसमानी रिश्ते और तालुकत की वजह से उसने फैसला किया उसने तो पैसे की खातर यह सब कुछ किया देखे बिलाल भाई पैसों की अगर आप बात बीच में ला रहे हैं तो फिर हमें पीछे बैकग्राउंड को भी तो देखना पड़ेगा क्या उसका हस्बैंड उसकी फैसिलिटेशन में कोई कमी रखता था क्या उसके हकूक नहीं करता था नहीं करता था नहीं करता था। इसमें कत्ल कैसे हो सकता है कत्ल नहीं, नहीं हो सकता ये तो है, एक है ना हर चीज की कत्ल होना तो मतलब ये तो आम बियॉन्ड द ह्यूमन लिमिट्स है उसमें फिर जैसे अब ये मेरी बहन का फिर शोभा आ जाए कि कत्ल करने के लिए सोच समझ सब माउफ हो जाती जब इंसान मावरा हो जाता है फिर वो कत्ल करता है लेकिन अगर आप ये कत्ल के पीछे भी तो देखें उसको जरूरत क्या पड़ी एक मालदार आशना की तरफ जाने आपकी उस उस तरफ आता हूँ लेकिन फिर उसके बाद आता फूलन देवी जो है ये भी एक बड़ा मशहूर किरदार है तारीख का इसने अपना बदला लेने के लिए अपना बदला लेने के लिए इसने बड़े लोगों को मारा लेकिन अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट में चली गई और पार्लियामेंट में जाकर लोगों को इंसाफ दलाने लग गई इतनी बड़ी कातला रोल पर आ गए। लेकिन ये लोग जो हमारे यहां सिर्फ इस वास्ते कत्ल कर दें कि उनके आशना उनके पीछे पैसा लेके सपोर्ट कर रहे हैं और हम कहें कि ये इनका कोई मेंटल स्टेट है इस पर डिबेट करते हैं वापस आते हैं वक्फा लेते हैं असला बिस्मिल्ला हमारा नहीं बात हो रही थी कि इसमें सिर्फ औरत का ही कसूर है कि शायद मर्द भी इसमें कोई अपना हिस्सा डालता है मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ मैं एक थेरी से स्टार्ट करना चाहती हूँ जो कि हम सारे ह्यूम्स पे जो है वो अप्लाई होती है सिगमन फ्रॉइड हैं पर्सनैलिटी थेरिस्ट हैं उन्होंने ये थे दी थी इड ईगो और सुपर ईगो हम सब इन में एक पर्सनलिटी स्ट्रक्चर है इड है जी जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है कि चाहे सही रास्ता है गलत रास्ता है मुझे अपनी ये नीड जो है फुलफ़िल करनी है एट एनी कॉस्ट जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है वो हमें हकीकत पसंद आना सोच देता है कि मैं ये किस तरह करूँगा कैसे अचीव करूँगा सुपर ईगो हमें मॉरल प्रिंसिपल बताती है कि क्या तरीके सही हैं क्या तरीके गलत हैं जिसमें हमारा जमीन वगैरह सब होता है इसमें बैलेंस रहे इंसान की पर्सनालिटी बैलेंस रहती है कहीं पर ये चीजें कोई ज्यादा हो जाए कोई कम हो जाए जैसे सुपर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो अपनी जो है वो बेसिक मैं सारी फ्रॉइड की थ्योरी को ना जीरो से मल्टीप्लाई करूं जी है। आपकी इजाजत से आप सारे जराइम को लीगल कर दें फ्रॉइड खत्म हो गया आपके जना है नहीं आपको कत्ल करना जायज है है देखिए ये कानून अगर आप बदल देंगे ठीक है तो साहिबा फिर क्या होगा नहीं देखिए अपने सोसाइटल नॉर्म्स के मुताबिक भी तो चलना होता है ना जैसे अगर यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे लेडीज की क्या ड्रेसिंग है और वेस्ट में क्या है वहाँ के कपड़े यहाँ पहन आएंगे तो सारे लोग फिर ये कहेंगे

और इसके अलावा कोई और इशू ही तो ना हो बिलाल भाई पैसों का जोम होता तो आप देखिए उसके आशना को भी अगर देखा जाए ना तो इतना कर लो हर मैं तुम्हें बचा लूंगा नहीं। या मैं पैसे उसे बचा लूंगा कभी कानून साथ बैठे मेरे मुझे बताएं कि अगर एक मैं विक्टिम खुद एडमिट कर रही हूँ अपने कत्ल को कि मैंने कत्ल किया मैंने गाड़ दिया मैंने मार दिया मैं आशना के साथ फरार होना चाहती हूँ तो मुझे बताया मेरी रिहाई कहाँ है इस दरमियान इसमें आपको आप, आप क्या देखते हैं इसमें आपको क्या वो दिलेरी लग रही है तो बीच में कोई ना कोई कहानी भी तो डालता, और एक ये पागल ही आप तो ऐसे ये लोगों से वाकिफ नहीं है साहब बड़े अदब से मेरे हाथ बंधे पहले देख लें कि जिन्होंने अदालतों में खड़े होकर कहा कि हाँ मैंने जुर्म किया और उनको फिर भी बेल हुई देखिए मैं मैं, मैं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारा सेटअप जो है वो रॉन्ग वे चला गया है कि आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ एक माँ कैमरे पे कह रही होती है मैं कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगी और बाद वही लोग कह रहे होते हैं अदालत में कि जनाब हमारा तो ये मुल्जों में नहीं। गलत फहमी की बुनियाद पर हमने मुलबस कर दिया और मैं एक और बात करूंगा बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कोर्ट में बिल्कुल कोर्ट में उमरा करके सफार कोर्ट में कोर्ट में एक प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दी कि जी आप मुख्तलिफ टी वी चैनल्स के पास जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराए थे ले ले। वो आप सम्मन करें वो सम्मन किए गए हमारा माशरा बेसिकली अब ये चीज होगी कि लोग करते हैं मैनेज कर लेते हैं कि आप लोग जायदाद की बंदर बांट कर लें पैसे ले लें और आप सेटलमेंट कर लें उसमें कोर्ट ऑफ लॉ कुछ नहीं कर सकती उसकी वजह यह कि लीगल हेयर्स को शरीयत ने ये राइट दिया है कि अगर वो ना चाहें और वो अल्लाह वास्ते माफ करना चाहें वो किसास लेना चाहें वो दियत लेना चाहें वो ले सकते हैं और स्टेट लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंजेंशन ऑफ इस्लाम जो है वो प्रोवेल करेंगी लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है आप जो उसके भाई हैं वो भी लीगल एयर हैं वो ना करें उसके साथ सेटलमेंट मैं खुद एक केस कर रहा हूं उसमें इसी तरह आशना के थ्रू कत्ल करवाया उसने कामत को और सगे भाइयों ने कहा कि तुम सारी की सारी जो शेयर्स हैं जो इसका बेनाबलट फंड है वो हमें दे दो हम तुम्हें माफ कर देते हैं तो ये हम हम सारे मेटेलिस्ट हो, हो चुके हैं है। पैसे की दौड़ में माँ जो है वो जेल में चली गई बाप जो है वो मर गया बच्चे गए अब ये बच्चे जब बड़े होके जवान बनेंगे लड़का और लड़की ये भी ये भी एक नौजवान होंगे ना बिल्कुल ये किस तरह के फर्द बनेंगे फिर हादसा तो तब पेश आएगा जब ये जवान होंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो काफी अरसे में सफर भी कर रहे थे वो क्या देख रहे हैं घर में माहौल माँ घर नहीं है माँ किधर है माँ बाहर है किसके साथ है पता नहीं मोहल्ले वाले कह रहे हैं वो हरे के साथ है तो मुझे तो लगता है आशना उसका एक नहीं था वो वो अनस्टेबल खातून थी उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या दिए उसका आ। क्या रोल है वो रोल में कन्फ्यूज है उसको तो कहीं इलाज कराना चाहिए था ना कि उसको घोला छोड़ा हुआ है और बच्चों का कैरेक्टर बात जा रही मतलब दो दफा कोशिश किए बच्चे से बात करने की लेकिन बच्चा नहीं बोला मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था ना कि हमारे माशरे में जो मेंटल डिसऑर्डर केसेज है लोग पता करते हैं इसका इलाज ना कराओ इसकी शादी कर दो शादी के बाद इंशाल्लाह बच्चे होंगे ये ठीक हो जाएगा <laughs> प्रॉब्लम या ये ठीक हो जाएगा मैं लड़की की या लड़... मैं दोनों की बात कर रहा हूँ हम लोग ये हम सब कसूरवार हैं इसमें कि इलाज कराने की बजाय शादी हमने ढूंढ ली के इलाज हो जाएगा इस तरह इलाज नहीं होता पर इसी किस्म के केसेस जो हैं है मॉडर मॉडरेट से जब सवेर में और सवेर से जब बिल्कुल ये इस तरह के एक्ट होते हैं तो फिर हम नोटिस लेते हैं कि ये क्या हो गया

नहीं नहीं इन है। बच्चों का क्या बनेगा उन्होंने बच्चे बेचारे क्या करेंगे ये कहा जाएंगे ये तो मैं क्या कहूँ अच्छा आप बताएंगे नही? बच्चों की कफालत आप बताए करेंगे इनकी इनके इनशा करेंगे आप भी करेंगे आप बहुत शुक्रिया बच्चों की कफालत जो है वो चचा करने को तैयार हैं मुझे एक एक जुमला फरमाइए सिर्फ कि इस सारे मामले में हम अब किस तरफ चलें कि आइंदा हमें ये बातें ना करनी पड़े सबसे पहली बात तो कि जो बच्चे हैं अब उनके उनको माँ से जितना दूर रख सकते हैं रखें माँ से जितना दूर रख सकते हैं बिल्कुल क्योंकि वो माँ उनको फिर इमोशनली और वो कहेगी कि मतलब ये यह बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रही है कि अब बच्चों को माँ से दूर रखना पड़ेगा जी क्योंकि ये माँ उन बच्चों के लिए अब खतरनाक है हो सकता है वाकई नफस्यातीज के लिए भेज देंटमेंट हो या डायग्नोज पेशेंट है वो अब तो अगर दिखाए पुलिस में भी साइकोलोजिट होते हैं उनका वैसे जरूर है उस खा की ताकि देखिए उसके अंदर क्या ट्रेड परसनिटी ट्रेड क्या निकल रहे हैं तो उसके बाद ये बच्चों को जितना बेहतर तरीके से तरबियत दें तालीम दें ताकि वो थोड़े बेहतर शहरी बनकर सामने आ सके मजहब का कोई किरदार हम माशरे में ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि ये मर्द और औरतें जो हैं ये दोनों इस तरह के ना हो देखें यहाँ हमारे पाकिस्तान में मजहब का किरदार जब देखते हैं तो बिफोर मैरिज जो होते काउंसलिंग होती है जो यहाँ नहीं होती उसमें दीनी उल्मा के साथ बिठाकर नशिस्त करवाई जाती है दुल्हा की भी और दुल्हन की भी और उनको उनके हकूक़ और उनके जो भी तमाम वाजिबात हैं उनको बताए जाते हैं उसमें जब आप एक काउंसलिंग करके किसी चीज़ को लेकर चलते तब आपको पता चलता है कि मजहब का असर है हमारे यहाँ मज़हब शादी में सिर्फ निकाह के खुतबों तक इन्वॉल्व है बाकी हमारे यहाँ मज़हब का कैरेक्टर कुछ भी नहीं है सिर्फ बींग जबानी हम मुसलमान हैं वरना हमारे किरदारों में आप कहाँ मुसलमान हैं वाले भी कर सकते हैं ना ये तो काउंसलिंग देखिए जो एक आलम दीन काउंसलिंग करेगा वो हकूक बताएगा वालदेन तो यही कहते हैं ना बेटा मर जाना वापस ना आना वाले की काउंसलिंग तो ये होती है ये सारा जो ये मैं एक बात ओवरऑल कर रही हूँ की जरूरत है इस्लाम के लिए ज़रूरत है कि आप हकूक को डिस्कस करें और बता के रियलाइज करवाएं कि क्या हकूक है आखरी आप इस केस को कैसे देख रहे हैं कि किस मैं इस केस को इस तरह देख रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो मॉडर्न इरा के मुताबिक होनी चाहिए और जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होकर ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जाना हुँ, हुँ, चाहिए और सजा मिलनी चाहिए ताकि कुर्सी की तरफ जा रहा हूँ कि वो रवायत जो और, है ना कि एक औरत को पकड़ लिया और उसने इतराफ जुर्म कर लिया कल को उस पर एविडेंस पे किसी को सजा हो ही नहीं सकती मैं ये कहूंगा कि लेजिसलेशन हमारी असेंबली में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि इस किस्म के केसेस क्या आप आज खून के आंसू नहीं रो रही है सुन के क्या ये पैनिक क्रिएट नहीं हुआ माशरे के अंदर इसमें जो है हाँ वो खुद को खुद हो, इसमें होना चाहिए पर। और टेररिज्म के तहत इसकी एफ आई आर होनी चाहिए कि अगर कल को वारिस माफ भी करें तो टेरर जो क्रिएट हुआ जो पैनिक क्रिएट हुआ सोसाइटी में वो उसको पे माफ सजा किया ना जा जा सजा, जा सजा, जा सजा बहुत बहुत ना, ना माफ किया जाए मिले बहुत शुक्रिया कान बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका आप लोग तारीख में एक खातून गुजरी है उसका नाम था रजिया सुल्ताना लेकिन उसको हम जानते हैं रजिया सुल्तान के नाम से इसलिए क्योंकि शमसुद्दीन अल की जो बेटी थी जब इसने दिल्ली की हाकमियत ली बादशाह बनी तो इसने बहुत अच्छे काम किए लेकिन कभी गौर कीजिएगा कि इसका जवाल जो है वो किस तरह से आया अपने ही एक ऐसे शख्स से इश्क में मुलवस हो गई जो उसके घोड़ों की मालिश किया करता था मैं इस पर राय नहीं रखता कि इश्क नाजायज़ था लेकिन बादशाह जब इंसान बन जाए तो बादशाह के फिर दोस्त नहीं हुआ करते अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तोहफ़ी किताफी में